धर्मनगरी चित्रकूट में गंगा दशहरे के दिन यहां प्रवाहमान पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने वालों की भारी भीड़ नजर आई। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को ज्येष्ठ दशहरा या गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा भगवान शंकर की जटाओं से होती हुई पृथ्वी लोक में अवतरित हुई थी और उनके 60,000 पूर्वजों को मुक्ति प्रदान की थी। गंगा जी में स्नान करने से, उन जल का पान करने से इस लोक से भगवान के लोक की संप्राप्ति होती है। इस कारण से गंगा जी का आज के दिन प्राकट्य उत्सव है, बहुत बड़ा महात्म्य है। आज के दिन स्नान करने से, जल पान करने से 10 बरस मध्यम पाना हरि पाठ का वेद, उनके दर्शन मात्र से ही जो है, जल पान मात्र से ही अनेक जन्मों के पापों का स्थान होता है। इस कारण आज के दिन गंगा जी का विशेष महत्व। भगवान राम की वनवास स्थली के रूप में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ चित्रकूट में महर्षि अत्र की पत्नी महासती अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर मंदाकिनी नदी को प्रकट किया था। चित्रकूट में मंद गति से प्रवाहित यह नदी स्वर्ग लोक में बहने वाली गंगा की ही एक धारा है। इस नदी की महिमा का बखान करते हुए रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, सो सब पोतक पातक डाकनी। मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाने वालों के सारे पाप दूर हो जाते हैं और उनका मन निर्मल हो जाता है। ऐसी महिमावान मंदाकिनी में सुबह से ही आस्था की पावन डुबकी लगाने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। लोग अपने परिवार व बच्चों के साथ मां मंदाकिनी में पावन डुबकी लगाकर गंगा मैया का आशीर्वाद लेने आए थे। गंगा दशहरे के पर्व पर हर कोई पूरी श्रद्धा से इस नदी में पावन डुबकी लगाकर तन मन को निर्मल बनाने के प्रयास करता नजर आया। गंगा दशहरे की बड़ी मान्यता हमने सुनी हुई है और यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, यहाँ से दूर दूर से भारत से आते हैं, तो इतनी मान्यता सुनते हुए रहते हैं। हमने कहा गंगा स्नान का एक सौभाग्य हमें प्राप्त हो, जिस वजह से आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम इधर आए हैं। बहुत अच्छा मनमोहक दृश्य लग रहा है और बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। ये एक बहुत तपस्वी भूमि है, इसमें हमें आज बहुत अच्छा एहसास हो रहा है, मन को शांति मिल रही है। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।